डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर हुसैन मियां की जानिब से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज रफीक अहमद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इस मौका पर रेस्क्यू अहलकार और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रेस्क्यू टीम्स ने क्रिकेट कबड्डी और रस्साकशी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां ने कहा कि आजकल का दौर इस्तराब और परेशानी का दौर होने के साथ साथ रेस्क्यू का नेचर ऑफ जॉब इस किस्म का है कि मुस्तकिल बुनियाद पर हादसात और सानियात की इमरजेंसी सूरत हाल से नबरत अजमा होना पड़ता है, जो कि रेस्क्यूअर्स की अपनी जहनी और असाबी सेहत पर बुरा असर डालती हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर तफरी का सामान ना हो तो सेहत गिरने लगती है और तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा होता है, जिसकी बेहतरी के लिए खेल जैसी वर्जिश का मामूल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेल एक ऐसी वर्जिश है जिसमें इंसान फितरी तौर पर ज्यादा दिलचस्पी रखता है। इसलिए उछलना कूदना छलांग लगाना रस्साकशी कबड्डी क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल जैसी दीगर खेलों में न सिर्फ वर्जिश खुद ब खुद हो जाती है बल्कि इंसान जहनी तौर पर ताजा दम भी हो जाता है।